ये आप देखिए, ये है मेरी राखी की थाली। क्या क्या लिखा दूँ, सारा फ्लावर से राखी है। और ये है मिठाई। तो मैंने ये मिठाई, जैसे कि मैंने मेरे कस्टमर को भी दिया है, मैं केक बनाती हूँ तो मैंने केक की मिठाई बनाई है। और ये केक की मिठाई है जो मैं इनको खिलाने वाली। मैंने किस तरह की कोई मिठाई नहीं खरीदी है, हम इसी को खिलाएंगे। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है ये, और हमारी राखी की थाली है। तो सबसे पहले ये गणेश जी हैं जिनको हम राखी बांधेंगे, और मैं शुरू से इनको ही बांधती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है रक्षाबंधन राखी का त्यौहार होता है और वो रक्षा का त्यौहार होता है। जो मुझे लगता है कि जो मुझे प्रोटेक्ट करता है, मैं उनको राखी बांधने का मेरा मेन रीज़न ये है कि मेरे तो बाबा है नहीं, उनके देहांत के बाद मुझे लगता है शिव जी के अंदर ही मेरे बाबा हैं। तो वो मेरे बाबा हैं, वो उनके पुत्र हैं, तो वो मेरे भाई हुए। कुछ बचपन से माइंड में चलते आ रहा है, तो मैंने हमेशा उनको अपना भाई माना है। मैं उनको और कृष्ण जी को, ये दोनों को मैं राखी बांधती हूँ बचपन से, और शिव जी को। क्योंकि सही मायने में रक्षाबंधन का मतलब होता है कि जो आपकी रक्षा करता है वो ही रक्षाबंधन और राखी का हकदार होता है। तो जो भी आपको लगता है कि आपके जीवन में आपकी रक्षा करता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपको राखी उसी को बांधनी चाहिए जिसके लिए भी आपके मन में है कि वो आपकी रक्षा करते हैं। तो राखी आप उसको ज़रूर बांधिए। अपने भाई को तो बांधिए क्योंकि भाई बहन का त्यौहार है, लेकिन उसके अलावा जो भी आपको लगता है उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी हो, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, या आपके कोई भी हो सकते हैं, जो आपको लगता है कि हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता हो, तो हमेशा आप राखी उनको ही बांधिए। तो चलिए अपने बच्चों बच्चे को राखी बांधते हैं। पहले हम उनको टीका लगाते हैं, टीका लगा दिया। बांधेंगे, अपने शिव जी को बांधेंगे। आप सबको राखी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके बाद मैं अपने शॉप जाऊंगी, और मुझे मेरा शॉप प्रोटेक्ट करता है, मुझे सब कुछ देता है, इसलिए मेरे लिए वो मेरी रक्षा करता है। इसलिए मैं जाके सबसे पहले अब यहाँ से जाऊंगी, अपने शॉप में जाके अपने शॉप को राखी बांधूंगी। तो इस तरीके से मैं अपनी राखी का त्यौहार मनाती हूँ। आप लोग भी मनाइए और इसको ज़रूर राखी बांधिए, जो लगता है कि आपको आपकी रक्षा करता है। धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन।